भारत की प्रचलित तस्वीरें। सुबह 5 बजे लाखों की संख्या में आदमी, औरतें और बच्चे उठकर उन कूड़े के ढेर और खाली पड़े प्लॉटों को देखने जाते हैं, जहां से वो कुछ कबाड़ा इकट्ठा कर सके। ये हैं भारत के कूड़े बीनने वाले। जो पीढ़ियों से इस अनौपचारिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा है। बहुत से लोग 100 रुपए से 300 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं और लाखों लोगों के लिए ये उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है। I will not be wrong if I say, मैं गलत नहीं हूं अगर मैं कहूं कि पूरे देश का 70-80% कूड़ा यही कूड़ा बीनने वाले ही साफ करते हैं, जिन्हें सरकार कोई पैसा नहीं देती। घरों में इन्हें 30 से लेकर 50 रुपए महीने में मिलते हैं, जहां से कूड़ा लेकर उसमें प्लास्टिक, मेटल और कबाड़ को छांटकर कबाड़ी बेचते हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 20 लाख लोग कचरा बीनते हैं। इनमें से अधिकतर लोग बड़े शहरों में हैं। 3.5 लाख लोग सिर्फ दिल्ली, NCR और मुंबई में, और इनमें से करीब 1.25 लाख बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 साल से भी कम है। मनिरुल की उम्र 11 साल है। मनिरुल से हमारी मुलाकात विवेकानंद कैंप साइट पर हुई। ये बहुत शर्मीला है और इसे पता है कि बाल श्रम कानून की वजह से इसका काम करना अवैध है, लेकिन ये हमसे दिल्ली के चाणक्यपुरी की इस कबाड़ी बस्ती में अपने घर पर बात करने को तैयार है। क्या करते हो आप फिर दिन भर? ऐसे कूड़ा बीनते हैं। कूड़ा बीनते हो और कुछ पैसे इकट्ठे कर लेते हो? हाँ। तो तीनों भाई एक साथ जाते हो? नहीं, दो भाई जाता है, तीन मूर्ति जाता है इधर सब जगह घूमते हैं। और फिर आके फिर बीनते भी हो कि नहीं? नहीं, बस आके दे देते हो, फिर पापा करते काम। बस्ती के लोग कहते हैं कि लोगों की जो माली हालत है उसमें कानून कोई मायने नहीं रखता। मनिरुल का पूरा परिवार कचरा उठाने का काम करता है और पीढ़ियों से यही एक काम उनकी रोजी रोटी का इकलौता सहारा रहा है। जब तक हर कोई काम न करे गुजारा चलना मुश्किल है। असलातून भले खुश नसीब है कि स्कूल जाती है, लेकिन उसका ज्यादा समय क्लास के बाहर कूड़ा छांटने में बीतता है। कबाड़ी का काम करते हैं, मेहनत करते हैं बहुत। मम्मा के साथ वो काम बटा देती हूँ, सब्जी काटने बोल रहे तो सब्जी काट देती हूँ। और कबाड़ में हेल्प करती हूँ कभी कभी थोड़ा थोड़ा। हाँ। क्या करते हो आप फिर, क्या हेल्प करते हैं? वो मम्मी बोरी पकड़ने बोलते हैं तो बोरी पकड़ लेती हूँ। और भैया लोग क्या करते हैं? भैया लोग वो माल बोरी में ना माल ढाल पर ढालते हैं तो साइकिल पकड़ लेती हूँ। ये काम खतरों से भरा है। कबाड़ की नुकीली चीजों से कभी भी चोट लग सकती है और कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है। ये सब खतरा उत्पन्न हो रहा है दिन ब दिन बढ़ रहे ऐसे कूड़े से, जो कि जहरीला होता जा रहा है। ध्यान से इन तस्वीरों पर एक नजर डालें। भारत में सूखे कचरे को अलग नहीं किया जाता। कचरा उठाने वालों को इसका कोई अंदाजा नहीं होता कि उनका हाथ किस चीज पर पड़ने वाला है। इस बायोडिग्रेडेबल कूड़े में ये कांच के टुकड़े भी हैं, और तो और थर्मामीटर और टूटी CFL लाइटें भी, और कभी कभी बिल्कुल जहरीला कचरा भी जिसे भट्टी में जला देना चाहिए था। So the waste has everything. It has from your rotting vegetables. कूड़े में सभी तरह की चीजें होती हैं। उसमें फलों के छिलके, बचा हुआ खाना, सिरिंज और यहाँ तक कि सैनिटरी नैपकिन और बच्चों के डायपर भी कूड़े के एक ही डब्बे में डाले जाते हैं, क्योंकि इन नैपकिन और डायपर बनाने वालों ने इनको डंप करने के लिए कोई विशेष बैग नहीं बनाए हुए। Because our manufacturers do not make any special disposable bags. So soiled sanitary napkins, soiled and dirty diapers. So they are coming in contact with also a lot of fecal matter. कूड़े की छटाई ना करना इसका मुख्य कारण है। भारतीय घरों में कोई भी कूड़े को अलग अलग करके नहीं फेंकता।
और सार्वजनिक स्थानों पर तो इस तरह के कूड़े के डिब्बे बहुत ही कम दिखाई देते हैं। कूड़े बिनने वाले इस बात से अनजान होते हैं कि वो किस तरह के कूड़े में हाथ डाल रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि ये कितना जहरीला होता है, जिसे छूने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। टूटे हुए थर्मामीटर, इस्तेमाल की हुई सिरिंज जो न जाने किस तरह के मरीज के लिए इस्तेमाल की गई हो, कूड़ा बिनने वाले सभी इस बात से बेफिक्र होते हैं। आपको सड़क पर आसानी से टूटी CFL और थर्मामीटर की मरकरी से खेलते हुए बच्चे दिख जाएंगे। बायोडिग्रेडेबल कूड़े को फेंकने से पहले आप कुछ सावधानी बरत सकते हैं, जैसा कि इंजेक्शन सिरिंज को फेंकने वक्त उसे तोड़ दिया जाए। इसके अलावा हम घर में ही कूड़े को अलग अलग कर दें ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। हम हमेशा से कूड़े को अलग करने को लेकर कहते आए हैं, लेकिन आज तक इस दिशा में कोई काम नहीं किया गया। कूड़े को अलग अलग कर फेंकना इस पूरी समस्या का हल करने की अहम कड़ी है। At home before throwing it, making sure there's no body fluid in the plastic syringe in case you are diabetic or something. So simple precautions taken at the household level can go a long way. And finally, of course, the segregation. We don't segregate waste, despite it's being talked about for a long time. Without segregation, there is no viable solution to sustainable solution to waste management. Segregation is key. It's absolutely key to the whole situation. कचरा बीनने का काम पूरी तरह असंगठित क्षेत्र में आता है, जिसके कोई सुनियोजित तौर तरीके नहीं है। ये काम करने वालों के लिए बचाव के कोई उपकरण नहीं है, न दस्ताने, न मास्क, सुरक्षा के लिए कोई पोशाक नहीं। ये इतने गरीब होते हैं कि इनके पास नाम मात्र के कपड़े होते हैं। इनके नंगे पांव भी बहुत सी बीमारियों को बुलावा देते हैं। कूड़े बीनने वालों के उत्थान के लिए काम करने वाली दिल्ली की NGO चिंतन के सर्वे के परिणाम काफी निराशाजनक हैं और ये खतरे की घंटी है। 94% कूड़ा बीनने वालों में सांस से संबंधित बीमारी पाई गई, 52% में फेफड़ों से जुड़ी बीमारी, 48% लोग पेट से जुड़ी बीमारी के शिकार पाए गए, 84% कूड़ा बीनने वाले बच्चों में खून की कमी पाई गई और देश भर के सभी कूड़ा बीनने वालों में TB की बीमारी तो बहुत ज्यादा पाई गई। कभी सर में दर्द, जो हम काम करते हैं तो हमारे साथ रेगुलर एक न एक बीमारी लगा ही हुआ है। कभी सर में दर्द हो, आंखों में दर्द, बुखार आ जाते हैं, उल्टियां चालू हो जाती है, दस्त हो जाते हैं, बहुत कुछ, हाथ पैरों में दर्द होने लग जाते हैं, चबाते हैं हाथ पैर, तो यही सब बीमारी है। तो क्या करते हैं हम कि चलो शाम को घर जाते हैं या डॉक्टर से प्राइवेट से दवाई ले लेते हैं, खा लेते हैं, खाने के बाद दूसरे दिन फिर काम पे लग जाते हैं। ऐसे में क्या होता मैडम कि हम लोगों के अंदर बीमारी चलते ही रहती है। मनवारा के पति भी TB की बीमारी से पीड़ित है। तो ये जो जब से हमने कूड़े का काम घरों से उठाने का करने लग गए, जब से हमें कुछ ज़्यादा ही हो गया। फिर धीरे धीरे खांसी होने लगा, खांसी होते 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 कुछ हम नशा भी करते थे, गांजा वगैरह पीते थे, तो हम तो बचपन से पी रहे हैं, उससे तो हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इससे फ़र्क पड़ गया। जो कूड़े का बदबू अंदर गया, तरह तरह का कीटाणु जो अंदर गया, उससे हमारे को TB बन गया। एक सर्वे के मुताबिक हमने पाया, मोहम्मद नजीर का ये बेपरवाह रवैया बहुत सारे कचरा चुनने वालों की अंधेरी हकीकत का हिस्सा है। जिन हालात में ये रहते हैं और काम करते हैं, उनमें सस्ती शराब और नशा ही इनका सहारा बन जाते हैं, यहाँ तक कि 7 साल के बच्चों के लिए भी। कुछ नशे में भी पड़ जाते हैं और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि ऐसे खाना पीना इतना भी टाइम से भी नहीं मिलता उनको, क्यों काम के धंधे में रहते, कभी उस कूड़ेदान में, कभी उस कूड़ेदान में बीनते रहते हैं। कोई के इतने बच्चे हैं कि ख़त्म भी हो गए इस कूड़ेदान के चक्कर में, एक्सीडेंट हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। गरीबी, बीमारी और शोषण, इन कूड़ा उठाने वालों की ज़िंदगी की कहानी NGOs, फोटोग्राफर्स, फिल्म स्टूडेंट्स, डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों, पत्रकारों और खासकर विदेशी मीडिया ने कई बार दिखाई और सुनाई है, लेकिन इनकी हालत नहीं बदली। एक समस्या ये भी है कि इन लोगों को इस्तेमाल करके कूड़े की तरह फेंक दिया जाता है, ना तो इनकी अहमियत कभी समझी जाती है
और ना ही इन्हें वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा बनाने की कोशिश की जाती है। इनकी मृत्यु दर के बारे में सही आंकड़े नहीं है। चूंकि ये लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो श्रम कानूनों में ये बिल्कुल अदृश्य है।